रावण को अपनी बगल में दबाकर घूमता रहा। बाली रावण को 6 महीने तक अपनी बगल में दबाकर घूमता रहा। इतना दम था बाली। एक दिन बाली वो अपने बल पर बहुत घमंड आता और उसने बड़े बड़े राजाओं बड़े बड़े महाराजाओं को हरा दिया। उसके बाद भी उसकी जो अहम था कोई ठिकाना नहीं, तो उसने नदियों को सुखाना शुरू कर दिया, पहाड़ों को पिघलाना शुरू कर दिया और पौधे जंगल में बिल्कुल खत्म करने शुरू किए बाली। और इसी बीच हनुमान जी गए, उन्होंने देखा कि ये कौन क्या क्या, तो सब पूछा बाली से, पूछा कि ये क्या कर रहे हो आप? कहते तू कौन है? मैं राम जी का सेवक। कौन राम जी? बाली कहता कौन राम जी? राम जी तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले तो मुझे ये बताओ कि आप ये जो तबाही कर रहे हैं, अगर आप अपनी शक्ति आई है और लगाओ तो नदियों को और बढ़ाओ, पेड़ों को और बढ़ाओ और आप इस पर थ्रस थ्रस कर रहे हैं। बाली ने हनुमान जी को चैलेंज कर दिया कि जा जो जिस राम का भगत है उस राम को लिया, मैं उसको भी तहस नहस कर। तो हनुमान जी से सब कुछ बर्दाश्त कर, हनुमान जी सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं पर अपने राम जी का अपमान नहीं बर्दाश्त कर सकते। सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हनुमान जी पर अपने राम जी का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बाली को कहा कि मेरे राम को तो बाद में देखना, पहले उनका दूध इनसे निकल, अगर तेरे में दम है तो आ मेरे साथ युद्ध कर। अभी तेरा जो अहम बहुत ऊंचाई हुए है, मैं तेरे को मौका देता हूँ कि तू सोच ले, आज का दिन मैं तेरे को देता हूँ, आज सोच ले, कल सुबह मेरे साथ आकर युद्ध करना, कल करेंगे युद्ध, कल सुबह आ जाएगा, आज सोच, अच्छी तरह सोच और कोई तेरा देवी